साथ जो दे गया। रुको जरा, सबर करो। नहीं चलू मैं जहाँ जाए तू, दाएं मैं तेरी बाएं तू, और तुम्हें हवाए तू साथ। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो चैट वाला लिरिक्स है कैसे क्रिएट किया जाता है। यदि आपको भी इस तरह का चैट वाला लिरिक्स क्रिएट करना है तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरह का चैट वाला लिरिक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फेक चैट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फेक चैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड इसको ओपन करने के बाद आपको इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद अलाउ अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हो चुका टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ओके। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर क्रिएट चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना इमेज ऐड कर सकते हो। आपको जो भी इमेज लगाना है इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से जो भी इमेज आपको पसंद है वो लगा दीजिए, ठीक है। आप अपने GF का भी इमेज लगा सकते हो, या फिर व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्हाट्सअप लगा देते हैं, ओके। प्रोफाइल फोटो सेट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर चैट नेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए माई लवली माई लव, या फिर अननोन के नाम से यहाँ पर सेव कर सकते हैं प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम माई लवली लिख देते हैं, ओके। इस तरह से नाम को लिखने के बाद प्रोफाइल आपका सेट हो जाएगा, और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो चुका है, ओके। एंड अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेक का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ फेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से डार्क मोड को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से बैक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चैट को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एंटर करेंगे, माई लवली के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चैट को लिखने से पहले आपको म्यूजिक को सुनना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर मेल का वॉइस है और कहाँ पर फीमेल का वॉइस है, ठीक है। इसको आपको बारीकी से सुनना पड़ेगा, और मेल का जो वॉइस आएगा उसको राइट साइड में लिखेंगे, और फीमेल का जो वॉइस आएगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो गाइस, चैट वाले लिस्ट को लिखने से पहले आपको यहाँ पर म्यूजिक को सुनना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर म्यूजिक को सुन लेते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे जो हमारा मेल वाला फर्स्ट लिरिक्स है उसका नाम है तू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तू, ओके। इसके बाद तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आपका जो मेल वाला वॉइस है उसको सेंड करना है, ठीक है। सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से सेंड हो जाएगा। एंड इसके बाद दूसरा लिरिक्स क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं है तो गाइज, यहाँ पे जो हमारा दूसरा लिरिक्स है फीमेल वॉइस वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हाथ में, ओके। और आपका जो फीमेल वॉइस वाला चैट है उसको यहाँ तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मेल वाला वॉइस है राइट साइड में, और फीमेल वाला जो वॉइस है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपका मेल वाला वॉइस आएगा उसको राइट साइड में क्लिक करके आपको सेंड करना है, और जो आपका फीमेल वाला चैट आएगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, रिसीव करके, ओके। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको देख करके। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा तीसरा लिरिक्स है मेल वॉइस वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथ जो दे गया, ठीक है, हाथ जो, इसको तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड करेंगे, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे फिर से फीमेल वाला वॉइस आएगा, क्या देखते हैं क्या है, ठीक है। ए फीमेल वाला वॉइस है, तो इसको हम यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रिसीव कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने भी आपके लिरिक्स हैं सभी लिरिक्स को बारी बारी से लिख लेना है। मेल वाला राइट साइड में लिखेंगे, और फीमेल वाला जो वॉइस है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और मेल वाला जो चैट लिरिक्स है उसको सेंड करेंगे, और फीमेल वाला जो चैट लिरिक्स है उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। बस आपको यही करना है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं, ओके।
तो गाइस यहाँ पे हमने चैट का जो लिरिक्स है उसको लिख लिया है, ठीक है। मेल वाला जो लिरिक्स है उसको राइट साइड में और फीमेल वाला जो लिरिक्स है उसको लेफ्ट साइड में लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जो मेल वाला आपका वॉइस उस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाला, और इसके बाद सेट रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टिक लग जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको चैट पे क्लिक करना है और सेट रिसीव करना है, ठीक है, जल्दी से इसको कर देंगे। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चैट वाला लिरिक्स है उसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग वाला लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको भी लेते हैं, ठीक है, साथ में काम आएगा अभी। इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कीबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से कीबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है ले लेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने 2-3 स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख देना है, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे इसको सेव कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड प्लस पे क्लिक करेंगे, गैलरी पे जाएंगे और यहाँ पर आपने जो फर्स्ट में स्क्रीनशॉट लिया था उसको ऐड करेंगे। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल ऊपर दिख रहा है उसको यहाँ पे क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर इसको ले जाएंगे एंड ऊपर से भी यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे जूम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करेंगे। इसके बाद आपको ये जो आपका एक नंबर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो बीच वाला कलर दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में कर लेंगे ब्लैक, ओके, एंड यहाँ से ओके, एंड इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट कर लेना है और इसको यहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एज, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अल्ट्रा या फिर वेरी हाई करके यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे हो चुका, इसके बाद इसको अंडो करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो चैट है उसको क्रॉप करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है। एंड क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका जो चैट है उसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये चैट आपका क्रॉप हो चुका है, यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद इसको जूम करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से आपको वही काम करना है, इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इसको इनेबल करेंगे और इसके बाद फर्स्ट वाला जो आपका वन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये जो बीच वाला कलर दिख रहा है इसको आपको लेफ्ट साइड में कर लेना है, यानी कि ब्लैक कर देना है और यहाँ से ओके। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। और इसके बाद गाइस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, गैलरी में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका कीबोर्ड है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। आप ये जो कीबोर्ड दिख रहा है इसको भी ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो आपने इंस्टाग्राम आईडी लिखा है इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम जो आईडी हमने लिखी है उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे सिंपल वाला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से क्रॉप करेंगे और यहाँ से ओके। इसके बाद इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए सेव इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ अल्ट्रा पे सेव टू गैलरी, ठीक है। सो गाइस इमेज को सेव करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको बीटमार्क प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है एलाइट मोशन में। एलाइट मोशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पे बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज ऐड करेंगे, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, ओके। चलिए हम यहाँ पे ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपको इसको यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे जा करके इसको इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है, और इसको सेंटर में कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक आपका बीट मार्क है वहाँ तक इसको लाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद स्टार्टिंग पे आना है, ठीक। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है और प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और आपने जो पिक्सल लैब से इमेज को सेव किया है
उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोफाइल वाला जो इमेज हमने सेव किया था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे जूम करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और इसके बाद आपको चैट वाला जो लिरिक्स है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसको यहाँ पे जूम करेंगे इस तरह से, और ऊपर इसको ले जाएंगे यहाँ पे अभी जस्ट। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और कीबोर्ड वाला जो इमेज है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आप इसको नीचे लाएंगे और यहाँ से जूम करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड जो है सेट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है, जो आपने तीनों मटेरियल ऐड किया इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, और लास्ट पोजीशन पे आएंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लेयर है यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और चैट वाला जो लिरिक्स है उस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे नीचे छुपा लेंगे, ठीक है। इस तरह से मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाके इस तरह से कर लेंगे, और इसके बाद जहाँ जहाँ पे आपका बीट मार्क है उस पर आपको एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अगले वाले बीट पे आना है और यहाँ पे एक प्लस का डॉट देंगे, ओके। इस तरह से आपको बीट पे आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है और इसके बाद थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले बीट को छोड़ेंगे, इसके बाद सेकंड वाले को भी छोड़ देंगे और थर्ड वाले बीट पे आएंगे। तो गाइस थर्ड वाले बीट पे आने के बाद आपका जो लिरिक्स वाला फर्स्ट लाइन है उसको ऊपर करना है, इस तरह से स्वाइप अप करेंगे, ठीक है, इस तरह से देखिए। एंड इसके बाद अगले वाले बीट पे आएंगे और दूसरा जो लाइन है उसको ऊपर करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखिए। एंड फिर से नेक्स्ट वाले बीट पे आएंगे और यहाँ पे तीसरा लाइन जो है उसको ऊपर करेंगे। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पे आना है और फोर्थ वाला लाइन ऊपर करना है, मतलब एक के बाद एक लाइन बढ़ाते जाएंगे। फिर से आपको नेक्स्ट वाले बीट पे आना है और यहाँ पे पांचवा जो आपका मतलब लाइन है उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर से आपको नेक्स्ट वाले जाना है और इसके बाद छठा लाइन बढ़ाना है, इस तरह से आपको कर लेना है जल्दी से, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे आएंगे और सातवां जो आपका लाइन है उसको बढ़ा लेंगे। फिर से आपको नेक्स्ट वाले बीट पे आना है और आठवां लाइन बढ़ाएंगे। फिर से आपको नेक्स्ट वाले बीट पे आना है और यहाँ पे नौवां लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है जल्दी से, नेक्स्ट पे आना है और इसके बाद अगला वाला जो लाइन है उसको बढ़ा देंगे। इसके बाद लास्ट में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ए लाइन बढ़ाएंगे और फिर से लास्ट में एकदम आएंगे और इसके बाद जो आपका लास्ट वाला लाइन है उसको भी फिर से एक बार बढ़ा देंगे, ठीक है, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो हमारा लिरिक्स है सेट हो चुका है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है और आपका जो चैट वाला लिरिक्स है उसके लेयर पे क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको नीचे से सेकंड नंबर वाले ग्राफ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आपका ग्राफ है इसको ऊपर ले जाएंगे इतना, ठीक है। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कॉपी कर्व कर लेना है, ठीक है। और कॉपी कर्व करने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जितने भी आपके की फ्रेम में सभी की फ्रेम पर ये जो ग्राफ है अप्लाई हो जाएगा और आपको टेक्स्ट में स्लो मोशन देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम कमाल का देखने में लग रहा है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ स्टार्टिंग पे आना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने तीनों लेयर ऐड किया था, कीबोर्ड वाला और प्रोफाइल वाला और चैट वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऊपर आपको देखिए यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो तीनों लेयर है एक ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रुप वन के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रिक एज,
तो इस तरह से आपको लिखना है और ऊपर आपको देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक एज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसको 280 करेंगे, ठीक है 280। और इसके बाद जो आपका थिकनेस है इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर 526 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे जीरो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से बैक करेंगे, अब देखिए आपका जो लिरिक्स है उसमें आपका इलेक्ट्रिक एज लग चुका है और देखने में बहुत ही आवेशम लगेगा, ओके। इसको हम यहाँ प्ले करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बनाने के बाद इसको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।